नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स एंड वीआईपी इंडस्ट्रीज दोनों स्टॉक के बारे में। दोनों का चाल आज के दिन अपोजिट रहा है। टाटा मोटर्स 10% गिरा है तो इंट्राडे में वीआईपी इंडस्ट्रीज 10% चढ़ा है। तो देखिए, टाटा मोटर्स में इंट्राडे में 10% की भारी एक बिकवाली आते हुए देखने को मिली कंपनी की तरफ से। एक खराब खबर क्या है, इसको एक कंपनी ने प्रेस रिलीज एक जारी किया जिसमें कंपनी ने खुद के ही जो है कारोबार पे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में चिंता व्यक्त की, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हुए देखने को आज मिला है। बात करेंगे चार्ट्स पे क्या संकेत है और ये खरीदारी का मौका है, यहाँ से एग्जिट कर दें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, टाटा मोटर्स की प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ कंसर्न बताए हैं अपने जगुआर लैंड रोवर रिपोर्ट्स Q1 फिस्कल ईयर 21-22 रिटेल सेल्स। यहाँ आगे देख सकते हैं कंपनी ने एक जो है प्रेस रिलीज जारी करके काफ़ी सारे डेटा के बारे में यहाँ पे बात की है। तो देखिए, प्रेस रिलीज में कंपनी ने जो मेन चिंताएं जताई है वहाँ आप देख सकते हैं। Q1 में नेगेटिव एबिट मार्जिन यहाँ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। 1 अरब पाउंड का कैश आउटफ्लो यहाँ संभव होने के लिए कंपनी कंसर्न दिखा रही है। साथ ही सेमीकंडक्टर चिप के बारे में यहाँ इन्होंने बताया, Q1 के मुकाबले Q2 में चिप की ज़्यादा कमी होने की आशंका भी कंपनी ने साथ ही यहाँ दिखाई है। आगे आप देख सकते हैं, चिप शॉर्टेज से होलसेल वॉल्यूम अनुमान से 50% कम रह सकता है, यानी कंपनी के Q1 से लेके Q2 के जो नंबर्स आएंगे फॉरेन में जो कंपनी कारोबार करती है जगुआर लैंड रोवर आदि के कारोबार में, वहाँ से जो है इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट Q1 से लेके Q2 के नंबर्स में कंपनी की बैलेंस शीट में आते हुए देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आज का डेली चार्ट देखेंगे तो इंट्राडे में एक सर्किट लगा था यहाँ पे 10% का, लेकिन उसके बाद नीचे के स्तरों से स्टॉक करीब 1.5% का सुधार यहाँ दिखाया और 8.5% की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। कल की क्लोजिंग जो थी उससे ऊपर ही आज दिन भर मार्केट ट्रेड कर रहा था, लेकिन प्रेस रिलीज के बाद एक तेज़ डेंट यहाँ पड़ते हुए आपको देखने को मिला है। जिन लोगों ने ऊपर के स्तरों पर ले रखा है, भैया आप होल्ड करिए इसको, और कोई रास्ता नहीं है। प्रॉफिट जो है, जो लॉस एग्जिट करने से बढ़िया ये रहेगा इसको होल्ड करिए। और नीचे के स्तरों से स्टॉक काफ़ी सुधरा है। हमारे मार्केट के बारे में आप जानते हैं कि बुरी खबर जब आती है तो पैनिक सेलिंग ज़रूर होती है, लेकिन अच्छी कंपनियों में धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, कोई तरह की फंडामेंटल दिक्कत नहीं है। सेल ऊपर नीचे ये सब बिज़नेस के जो अभिन्न अंग होते हैं ये सब चलता रहता है। और दूसरी बात, जो लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है। यहाँ इन्वेस्ट करके लंबी अवधि के लिए जो लोग बैठना चाहते हैं इस स्टॉक को लेके, नीचे बाइंग करने का एक शानदार मौका आप इसको समझ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। तो आज का डेली चार्ट आप देख रहे हैं, पिछले लगातार जो स्टॉक ने जून के महीने में पूरे में जो तेज़ी बनाई थी आज एक ही दिन में सारा सुपड़ा साफ होते हुए देखने को मिला है। लेकिन बात करें नीचे एक सपोर्ट की, तो देखिए सबसे पहला सपोर्ट स्टॉक का वही है जहां आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 10% की गिरावट दिखाने के बाद स्टॉक ने 310 के लेवल तक जो है जाते हुए देखने को मिला है। 310 का लेवल एक अहम सपोर्ट है, अगर वो टूटते हुए देखने को मिला तो स्टॉक आपको कम से कम 300 रुपये तक और जो है फ्री फॉल होते हुए यहाँ देखने को मिल सकता है। 300 का लेवल नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर बाय द वे तोड़ दिया तो 285 तक जाएगा, लेकिन इतनी तेज़ गिरावट आने की संभावना यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले नज़र रखिए 310 के टारगेट के लिए, वो अगर नहीं ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे आराम से इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 310 के बाय द वे नीचे भी जाता है तो भी एक्यूमुलेट कर पाएंगे। और जो लोग ऊपर के स्तरों पर लेके यहाँ अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया यही है कि आप इसको होल्ड करिए, स्टॉक धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। अच्छी कंपनी है और जो भारत के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी शामिल है। साथ ही अनिल जी ने यहाँ पे क्या रिकमेंड किया है वो भी जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ। मौजूदा स्तरों पर टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह। तो देखिए, जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो ऐसे मौके की तलाश करते हैं कि बढ़िया कंपनी तेज बिकवाली आए और हम लोग नीचे के प्राइस पे यहाँ एंट्री बना लें। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर इन्वेस्ट करना है लंबी अवधि के लिए तो ये प्राइस बाय करने के लिए बढ़िया है। साथ ही अगले स्टॉक की बात करते हैं, वीआईपी इंडस्ट्रीज़। आज के दिन तेज़ स्टॉक ने चाल चली है, 390-91 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा था सुबह के समय, लेकिन तेज़ यहाँ पे एक बाइंग आते हुए देखने को मिली। इंट्राडे में 7.5% से 8% के हाइज भी स्टॉक ने दिखाए हैं। अभी बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो देखिए, बात कर रहे हैं डेली चार्ट की वीआईपी इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन 8.5% स्टॉक चलते हुए देखने को मिला है और मार्केट क्लोज होते होते लास्ट के 10 से 15 मिनट एक शार्प स्पाइक आप यहां पे देख रहे हैं। ये स्पाइक महज लास्ट के कुछ मिनटों में ही आते हुए देखने को मिला है, तो संभावना यही है कि ये मोमेंटम कल की डेट में भी कैरी होते हुए आपको देखने को मिल सकता है।
तो देखिए डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ आप क्रिएट होती भी आपने देखी है। इसका ब्रेकआउट एग्जैक्टली 422 से लेकर 423 के ऊपर ही है, लेकिन स्टॉक ने एग्जैक्टली वहीं क्लोज़ किया जो इसका स्टार्टिंग पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो 423 से 24 के लिए नज़र रखें, कल स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है और वॉल्यूम बनता है तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कल और यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पे भी सेम स्टॉक उसी पायदान पे खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ ब्रेकआउट इस लेवल का आते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट पे इस हर्डल के निकलने के बाद स्टॉक में आपको नेक्स्ट जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है, वो है 475 का टारगेट जो कि काफ़ी ऊपर है। इसके लिए Q1 के नंबर्स का भी वेट रहेगा, अच्छे नंबर पोस्ट करेगी कंपनी अगर, तो 475 से लेके 500 रुपये का टारगेट भी आपको ये जल्दी दिखा सकता है। बात कर लिए इस वीडियो में हमने दो स्टॉक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।